जय हिंद दोस्तों, मैं निकेत कुमार बिहार कृषि कॉलेज सबौर भागलपुर से एग्री गाइडेंस के इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूं। तो अगर आप बीसीसी सीवीटी या कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से कुछ न कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्ज़ाम में रहते हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और हम लोग बारी बारी से जो है समझेंगे कि किस उपकरण का उपयोग किसे मापने में यानी कि किस के मेजरमेंट में किया जाता है। तो हम लोग बिना टाइम गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है लाइसीमीटर। लाइसीमीटर जो है मृदान में मतलब कि सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है उसको जो है मापने का काम करता है। टेंसियोमीटर, टेंसियोमीटर से भी मापते हैं मृदा के नमी, सॉइल मॉइस्चर को मापते हैं। न्यूट्रॉन आर्द्रता मापी, इससे भी हम लोग जो है मृदा की नमी मापते हैं। जिप्सम ब्लॉक, ये इंपॉर्टेंट है, टेंसियोमीटर भी इंपॉर्टेंट एग्जाम बहुत पढ़ाता है, ठीक है। जिप्सम ब्लॉक से भी क्या क्या नापते हैं मृदा की नमी। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बेरोमीटर, बेरोमीटर से मापते हैं वायु दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापते हैं। पार्सल फ्लूम या वेंचुरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी एक BEO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्सल फ्लूम का उपयोग जो है किसे मेजरमेंट करने में किया जाता है, तो ये होगा वाटर फ्लो, जल प्रवाह। आगे है रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर से मापते हैं TSS, TSS का फुल फॉर्म होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, कुल घुलनशील ठोस, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है ब्रिक्स हाइग्रोमीटर, ब्रिक्स हाइग्रोमीटर से भी मापते हैं TSS। आगे है ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, इससे भी मापते हैं TSS। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद है ब्यूटायरोमीटर, इससे मापते हैं फैट यानी कि वसा। विंड स्कूप, इससे मापते हैं वायु की दिशा और वेग, मतलब कि विंड जो है किस डायरेक्शन और किस स्पीड से बह रहा है उसको पता करने के लिए विंड स्कूप का उपयोग करते हैं। एनेमोमीटर, ये क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और BCC CVT और जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें तो यह क्वेश्चन बहुत अधिक बार आया हुआ है, तो इसको आप जो स्टार लगा के इसको जो है याद कर लीजिएगा। एनेमोमीटर, देखिए एनेमोमीटर से मापते हैं वायु की गति और विंड वेन से मापते वायु की दिशा। देखिए इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि जो है एनेमोमीटर किसे मापता है और विंड वेन किसे मापता है, तो इसे हम लोग एक ट्रिक से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे कि जो है ना गति, गति मतलब हो गया कि मान लेते हैं दूरी, ठीक है, दूरी को हम लोग जो है मीटर में मापते हैं, तो जिसके अंत में मीटर होगा उससे हम मापते वायु की गति, ठीक है। उसके बाद जो बच गया विंड वेन उससे मापते हैं वायु की दिशा। आगे ड्रोसोमीटर, ड्रोसोमीटर से मापते हैं ओस की मात्रा कि कितना ओस पड़ रहा है। अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से मापते हैं ऊंचाई। हाइग्रोमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइग्रो और हाइड्रो, ठीक है, ये दोनों में अक्सर स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है, तो इसे भी आप लोगों को जो अच्छे प्रकार से याद कर लेना है। देखिए जहाँ आ गया क्या हाइग्रो, ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं क्या वायु की नमी, मतलब एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को नापने का काम करता हाइग्रोमीटर। लेकिन देखिए हाइड्रो, HYDRO, जहाँ R वाला आ गया तो वहाँ पर समझना है आपको कि वह जो लिक्विड से संबंधित है, तो द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापते हैं हाइड्रोमीटर से। आगे हैं कि फोटोमीटर, फोटोमीटर से मापते हैं प्रकाश की तीव्रता। रेनगेज, रेनगेज से पता करते हैं वर्षा की मात्रा कि कितना बारिश हुआ है। आगे प्लेनोमीटर, प्लेनोमीटर से मापते हैं पत्ती की सतह का क्षेत्रफल, अगर कोई लीफ है उसका एरिया कितना है, तो उसे को पता करने के लिए हम लोग जो है प्लेनोमीटर का उपयोग करते हैं, और उसी से पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस उस पत्ता में कितना अधिक कितना कम होगा, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, कितना अधिक कितना कम होगा। लैक्टोमीटर, लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध का आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, या दूध की शुद्धता भी मापते हैं। सेक्रीमीटर से मापते हैं बिलियन में शर्करा की मात्रा, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें चीनी कितना है, उसमें जो है शुगर की मात्रा क्या है, उसको पता करने के लिए सेक्रीमीटर का उपयोग करते हैं। कर्व कार्ड, इसका उपयोग जो है दिन में प्रकाश की अवधि पता करते हैं। इवोपेरीमीटर, इससे मापते हैं वाष्पीकरण को जो है ना मापते हैं इवोपेरीमीटर से। आगे सोलोमीटर, सोलोमीटर से मापते हैं नमक की मात्रा। ब्राउनोमीटर, ब्राउनोमीटर से मापते हैं नमक की मात्रा, ठीक है। सेलिनोमीटर,
इससे भी मापते हैं नमक की मात्रा। इंफ्रारेड थर्मामीटर, इससे मापते हैं पत्ती की सतह का तापमान, यानी कि लीफ पर जो है पत्ता पर कितना तापमान, कितना उस पर टेम्परेचर पड़ रहा है, उसको पता करने के लिए जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। आगे है केस्कोग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केस्कोग्राफ से मापते हैं पौधे की वृद्धि। उसके बाद है आयरोमीटर, आयरोमीटर से मापते हैं मृदा नमी तनाव टेंशन। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए उन सभी को आप लोग को लिख के बार बार प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जितना लिख के याद कीजिएगा उतना आप लोग को चीज़ें जो है लंबी समय तक याद रहेगी। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।